स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है प्लांट्स का, और प्लांट्स जो है फ्लावर्स के द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को बताया गया था, सेपल, पेटल, स्टामेन और पिस्टल के बारे में। आज हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देख रहे हैं कि ये एंथर है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है, यानी पूरा स्टामेन का स्ट्रक्चर है। तो टिपिकल एंथर इज ए बाइलोब विथ टू थीका। यहाँ पर देख रहे हैं ये एंथर है और इसमें ये बाइलोब्ड है, यानी एक एंथर में दो लोब है, टू लोब्स हैं और ईच लोब हैज टू थीका, यानी डाई थीकस है। एक लोब में दो थीका है और दो लोब है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा, चार थीका, है ना। इसलिए ईच लोब क्या होता है, डाई थीकस होता है, यानी प्रत्येक लोब में दो थीका होता है। इस तरह से मिला करके एंथर में दो टू लोब्स होते हैं और दो लोब से मिला करके चार थीका हो जाते हैं। ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंथर इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पर देख रहे हैं ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल मतलब फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। और प्रत्येक लोब में, है ना, प्रत्येक लोब में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और इस तरह से चारों लोब मिलाकर के फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, टोटल एंथर में होते हैं। लेटर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पोलन सैक और बाद में यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है पोलन सैक में बदल जाता है। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, द माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेंट्स कंप्लीटली अरेंज, यानी ये जो पूरे होल लेंथ तक, जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेंट्स कंप्लीटली अरेंज होमोजीनियस सेल, यानी बिल्कुल होमोजीनियस सेल जो है इसमें कंपैक्टली अरेंज रहता है, फॉर्मिंग द स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये सेल्स जो है कंप्लीटली अरेंज होकर के स्पोरोजीनस टिश्यू बनाते हैं। जब कब, जब जो है एंथर यंग स्टेज में होता है। यही पर यहां पर आप देख रहे हैं कि टेट्राहेड्रल चार जो है, एक लोब में दो थीका है और दो लोब मिलाकर के चार थीका, इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, है ना। और जब एंथर यंग स्टेज में होता है, है ना, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेंट्स माइक्रोस्पोरेंजियम में, यानी पूरे लेंथ तक जो है सेल्स होमोजीनियस सेल कंपैक्टली अरेंज होकर के स्पोरोजीनस टिश्यू बनाता है। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन्स। इससे पहले मैं आपको फिगर के बारे में जो है आपको, हमने वो एंथर का जो स्ट्रक्चर है और जो डिटेल स्ट्रक्चर, उसको हमने डायग्राम को आपको भेज दिया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और किस तरह से पोलन ग्रेन बनता है। तो सबसे पहले ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, आपने देखा कि चार जो है माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, यानी चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, यानी प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के बारे में जानते हैं कि इसमें जो न्यू सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। न्यू सेल जो बनते हैं डॉटर सेल, वो हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस सेल डिवीजन के अंत में फोर सेल्स बनते हैं, तो डिवीजन टू फॉर्म द फोर हैप्लॉइड सेल्स।
यानी चार हैप्लोइड सेल बनते हैं जब प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। एज ए रिजल्ट फोर हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स। इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स कहते हैं क्योंकि टेट्रेट मींस होता है फोर, यानी चार बनते हैं इसलिए टेट्रेट कहते हैं। ईच माइक्रोस्पोर लेटर बिकम्स पोलन ग्रेन। प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो है बाद में यही पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन में बदलते हैं। ईच पोलन ग्रेन हैज फोर लेयर्ड वॉल हैज सॉरी ईच पोलन ग्रेन हैज टू लेयर्ड वॉल्स कॉल्ड एक्साइन एंड इंटाइन। जब मैं फिगर भेजूंगा उसमें भी आएगा कि एक्साइन यानी आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन इज द आउटर लेयर व्हाइल इंटाइन इज द इनर लेयर। एक्साइन में आप देखेंगे कि ईच एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। उसको देखिएगा उसके ऊपर जो है जर्म पोर्स होते हैं जिसको हम जर्म पोर्स कहते हैं, है ना। और एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। ए मैच्योर पोलन ग्रेन हैज टू सेल्स। मैच्योर पोलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, एक सेल वेजिटेटिव सेल, यह जेनरेट नहीं होता है। मतलब यह जो है जेनरेट नहीं होता है व्हाइल अदर सेल इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल। और यही जो है जेनरेटिव सेल यानी मेल गैमेट में आगे जो है इसे मेल गैमेट बनता है और यह जो है समाप्त हो जाता है। यह वेजिटेटिव सेल है, यह आगे ग्रो नहीं करता है, यह जर्मिनेट नहीं करता है और यह जो है जेनरेटिव सेल है जो मेल गैमेट का निर्माण करता है।